तो हे गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे जो यामा FZ V4। तो ये जो बाइक है फाइनली गाइस इंडिया के अंदर भाई लॉन्च होने जा रहा है। तो भाई कब लॉन्च होगा, बाइक का प्राइस, माइलेज, टॉप स्पीड सब कुछ बताएंगे। सो गाइस, अभी तक वीडियो के अंदर लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, एंड चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस, मेरा एक वीडियो बनाने के लिए भाई 4 से 5 घंटा लग जाता है, क्योंकि भाई एडिटिंग रहता है, वॉइस तुम्हारा गाइस बहुत कुछ यार मेहनत करने के बाद गाइस एक वीडियो बनता है। तो प्लीज यार, आप लोग ऐसे भाई मत देखो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को बनना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बस ये वीडियो जरूर से शेयर करो। सो गाइस, आज हम लोग भाई ऐसे एक बाइक बताएंगे जो बाइक के अंदर अगर आप लोग भाई कॉलेज के लिए कोई स्टूडेंट हो तो ये बाइक एक बार ट्राई कर सकते हो। ऑफिस के लिए तो चाहिए तो ये भी आप लोग ले सकते हो, मतलब कोई मार्केटिंग करने के लिए चाहिए तो ये भी ले सकते हो। मतलब ये जो बाइक है ना भाई, बहुत ज्यादा जबरदस्त बाइक है, जिसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत ज्यादा कम प्राइस के अंदर तुम लोग को ये बाइक तुम लोग प्रोवाइड कर रहा है कंपनी, और साथ में इसका जो मेंटेनेंस जो कॉस्ट ना ये भी तुम लोग को बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा, और साथ में सबसे बड़ी जो बात इसका टॉप स्पीड भी बहुत ज्यादा हाई है। तो गाइस, ये बाइक एक बार भाई वीडियो को लास्ट तक देखो, तुम लोगों को पता चल जाएगा जो बाइक के अंदर तुम लोगों को क्या कितना ज्यादा फैसिलिटी देखने को मिलेगा। और ये तुम लोगों को देखने को मिलेगा यामा की तरफ से, मतलब यामा का जितना सारा बाइक है ना 0 वाइब्रेशन के साथ मिलता है। तुम लोग जानते हो जो यामा का जो कितना ज्यादा खूबसूरत है इंजिन। यहाँ पे आज हम लोग बताएंगे यामा FZ V4। तो ये पहले गाइस V3 था, तो अभी गाइस नया 2023 के अंदर भाई V4 लॉन्च होगा। सो गाइस, ये V4 के अंदर तुम लोगों को क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा सब कुछ बताएंगे। सो गाइस प्लीज यार, ये वीडियो को लाइक करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, क्योंकि मैंने गाइस हर रोज बोलता हूं भाई वीडियो को लाइक करो, क्योंकि बहुत सारा बंदा वीडियो को भाई लाइक नहीं करता है, भाई दिल टूट जाता है, सच बोलता हूं भाई, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, पहले लाइक करो उसके बाद भाई वीडियो देखो। चलो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बताएंगे, ये इंजन के अंदर 149 cc यार कूल रेट आप लोगों को इंजन देखने को मिलेगा। ये जो 149 cc सुन के आप लोगों को लग रहा है, बट इसका पावर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बाइक मैंने एक बार टेस्ट राइड भी ले लिया ऑलरेडी। और साथ में ये गाड़ी के अंदर तुम लोगों को 5-speed गियर बॉक्स देख सकते हो, एंड तुम लोगों को यहाँ पे BHP कंपनी प्रोवाइड करेंगे 12.2, आप लोगों को यहाँ पे BHP यूज करेगा। और साथ में तुम लोगों को यहाँ पे टायर साइज का बात करेंगे तो टायर साइज भी आप लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सामने आप लोगों को मतलब फ्रंट टायर आप लोगों को 100x80x17 देखने को मिलेगा, और रियर टायर मतलब पीछे का जो टायर होगा 140x70x17 देखने को मिलेगा। मतलब टायर साइज को लेकर यहाँ पे कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर आप लोग भाई लद्दाख राइड जाओगे, ऑफिस के लिए राइड जाओगे, मतलब कोई जगह पे जहां जाना है जाओ, जहां जाना पे आप लोग भाई जाओ, यहाँ पे ग्रिप आप लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका टायर भी आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की तरह घटिया टायर नहीं है, इसका टायर आप लोगों को बहुत अच्छा टायर दे दिया। साथ में आप लोगों को यहाँ पे इस बार तुम लोग पावरफुल LED हेडलाइट प्रोजेक्टर लैम्प देखने को मिलेगा, साइड इंडिकेटर तुम लोग को यहाँ पे हैलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, पीछे का टेल लाइट आप लोग को हैलोजन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर तुम LED देखने को मिलेगा। और इसके सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है, इसका जो मीटर कैपेसिटी है, तुम लोग को फुल LED डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा। मतलब ये तो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यामा FZ V3 के अंदर मतलब V3 के अंदर तुम लोग को पहले देखने को मिलता है हैलोजन हेडलाइट लैम्प, और यहाँ पे तुम लोगों को कर दिया भाई सीधा सीधा LED प्रोजेक्टर लैम्प। तो यहाँ पे गाइस LED प्रोजेक्टर लैम्प के अंदर कितना खूबसूरत पावरफुल है तो आप लोग तो भाई जानते ही है। अभी हम लोग बात करें इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी, आप लोगों को देखने 11.9 लीटर आप लोगों का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। आप लोग भाई बहुत बंजर सोच रहे हो, अरे भाई 11.9 लीटर भाई इतना तक चलेगा ये भाई, इसका माइलेज सुन के तुम लोग भाई शॉक हो जाओगे, क्योंकि इसका माइलेज 45 से 50 तक देख सकते हो। मतलब भाई 45 से 50 तक माइलेज भाई कब नहीं है, क्योंकि इसका टॉप स्पीड भी आप लोगों को बाद में बताएंगे जो कितना ज्यादा टॉप स्पीड जाता है। और इसके अंदर तुम लोग ये बाइक के अंदर आप लोगों को वेट देखने को मिलेगा 135 kg, तो भाई बाइक का इंजन का सीसी हिसाब से 135 kg तो भाई सही है। और ये साथ में ये बाइक है तुम लोगों को सिंगल चैनल ABS, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल हर बाइक के अंदर भाई ABS आना जरूरी हो गया। अभी भी ये बाइक के अंदर भाई क्योंकि पीछे नहीं जाएगा यामा तो सबसे आगे ही जाएगा। और ये बाइक है तुम लोगों को क्योंकि इसका प्राइस के हिसाब से भाई सिंगल चैनल ABS भाई सूट करता है, क्योंकि अगर ड्यूल चैनल देना स्टार्ट कर देगा तो भाई इतना कम सीसी के अंदर मेरे को तो नहीं लगता भाई ड्यूल चैनल ABS चाहिए, मतलब सिंगल चैनल आप लोगों को सही है यार। और साथ में तुम लोगों को यहाँ पे टेडीएस को भी फॉक्स देखने को मिलेगा सामने, और रियर आप लोगों को मोनोशॉक देखने को मिलेगा। ये जो बाइक का टॉप स्पीड, तो अभी हम लोग बताएंगे जो बाइक के अंदर क्या टॉप स्पीड देख सकते हो। बाइक के अंदर तुम लोगों को टॉप स्पीड देखने को मिलेगा 120+, तो भाई ये तुम लोगों को मैंने 120+ बोल दिया, 130 भी जा सकता है। तो आप लोगों को ये टॉप स्पीड सुन के कैसे लगा एक बार प्लीज यार भाई कमेंट करके बता देना। और साथ में ये बाइक का प्राइस कितना हो सकता है वो अभी हम लोग बताऊंगा गाइस, ये प्राइस है भाई बहुत ज्यादा कम प्राइस के अंदर ये बाइक तुम लोगों को प्रोवाइड करेगा कंपनी वालों ने। तो गाइस अभी आप लोग बता रहा हूं बाइक का प्राइस तुम लोग 1.50 लाख एक्सटर्नल प्राइस देख सकते हो, मतलब भाई कितना ज्यादा कम प्राइस के अंदर ये बाइक मिलेगा भाई 1.50 लाख तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक शोरूम। तो आजकल भाई मेरे को तो नहीं लगता भाई इतना ज्यादा कम प्राइस के अंदर कोई बाइक दे सकता है। इसका 1 अराउंड
आ जाएगा अंडर 1.5 लाख के अंदर ये बाइक तुम लोगों को मिल जाएगा। 1.15 लाख इसका एक्सशोरूम प्राइस है और लॉन्च डेट कंपनी ने अभी तक नहीं बताया क्योंकि भाई ये 2020 हुआ और अभी तक सिर्फ 8 दिन हुआ। 8 दिन के अंदर कंपनी ने सिर्फ इसका ऑफिशियल जो वीडियो ऑफिशियल फोटो सब कुछ लॉन्च कर दिया। यामा ने ऐसा बोला जो ये बाइक 2023 के अंदर लॉन्च होगा, ये बाइक कमिंग सून, ऐसा कोई लॉन्च डेट नहीं बताया। तो ये बाइक बहुत जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है, मतलब बाइक तो भाई रेडी हो गया, सिर्फ बाइक का कुछ परमिशन मिल जाएगा तो बाइक यार लॉन्च कर देगा। आप लोगों को ये बाइक का लुक कैसे लग रहा है एक बार प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना। और सबसे बड़ी जो बात है इसका डिस्क का ब्रेकिंग कंट्रोल को लेकर अभी हम लोग बात करेंगे क्योंकि इसका डिस्क का जो साइज है सामने आप लोगों को 282 mm देखने को मिलेगा, रियर आप लोगों को 220 mm देखने को मिलेगा, मतलब ब्रेकिंग कंट्रोल तो यहाँ पे बहुत बढ़िया। और ये बाइक इंडिया के अंदर बेस्ट माइलेज टूरिंग बाइक माना जाता है क्योंकि ये बाइक को लेकर लद्दाख राइड, मनाली राइड, दार्जिलिंग राइड आप लोग भाई जहां जाना चाहोगे ये बाइक लेकर जा सकते हो क्योंकि इसके इंजन के पावर भी आप लोगों को कम नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक पावर। आप लोगों यामा का जो इंजन होता है ना इसका कितना खतरनाक वाला पावर है आप लोग तो जानते ही है। और साथ में यह बेस्ट वैल्यू फॉर बाइक है क्योंकि भाई वैल्यू फॉर मनी बाइक है क्योंकि अगर भाई एक ऑफिस के लिए आप लोग डेली यूज के लिए बाइक लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट है डेली यूज के लिए लेना चाहते हो तो आप लोग भाई ले सकते हो, मतलब कोई भी अगर डेली यूज के लिए बाइक सिटी राइड के लिए लेना चाहते हो तो भाई आप लोग ले सकते हो क्योंकि इसका माइलेज भी आप लोगों को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसका मेंटेनेंस जितना ज्यादा कॉस्ट ना भाई MT-15 से भी आप लोग को बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा क्योंकि MT-15 का मेंटेनेंस कॉस्ट आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे जितना सारे चाहे बजाज के अंदर जाओ चाहे तुम्हें अपाची के अंदर जाओ सारे बाइक से भी इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तो ये बाइक का वीडियो देखकर आप लोगों को कैसे लगा ऑब्वियसली कमेंट करके बता देना। आज का वीडियो अच्छा लगा तो भाई एक लाइक करा देना, चैनल को बनना हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस चल आज का वीडियो इतना ही है, चलते भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलो गाइस आज का वीडियो इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर।